आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, मेरा जो झाड़ू का कुछ काम है वो ख़त्म हो गया और आज पापा जी का श्राद्ध है तो मैं अभी खाना बनाऊंगी उनके लिए। सुबह सुबह बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चा कोई नहीं उठा है, बस मैं ही उठी हूँ। सुबह सुबह देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, शायद बारिश होगी तो बादल भी हो रहे हैं और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और वो देखिए पहाड़ पे सामने शायद सूरज निकलने वाला है, उधर ऑरेंज ऑरेंज रोशनी हो रही है। तो चलिए चलते हैं किचन में, आलू हमारे उबल गए और केला भी मैंने उबाल लिया था। आलू की तो बनाऊंगी मैं ग्रेवी वाली सब्जी और सूखे केले की सब्जी बनाऊंगी। हाँ जी गर्म पानी हो गया आपका? बिल्कुल कर दो, इस बच्चे को सुबह बनाने के लिए गर्म पानी चाहिए। फ्रेंड्स सब्जी तो मेरी बन गई है, अब मैं बना रही हूँ आटा पूरी के लिए, थोड़ी देर के लिए बना के छोड़ दूंगी। देखिए लाइट चली गई और ये खाना निकाल रहे थे। जो सही है हाँ तो दो दिन की छुट्टी के बाद स्कूल जाने में बहुत दुख होता है। क्यों? दो दिन मजा आ जाता है, उसके बाद तीसरे दिन दोबारा स्कूल जाना पड़ता है और उसके बाद तो मजा ही मजा है। चलिए बच्चे तो चले गए थे स्कूल और इसके पापा गांव गए हैं, आज सुबह गांव गए हैं, मतलब दोपहर में नहीं जाएंगे, दोपहर में ड्यूटी जाएंगे। तो अभी मेरे पास मतलब फ्री टाइम है क्योंकि देखिए जब सुबह श्राद्ध होता है तो देखिए सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो मैं सोच रही कि चलो कुछ खाली टाइम है तो कुछ बनाते हैं क्योंकि अभी से लेकर 11 बजे तक तो फ्री हूँ बिल्कुल। तो सोच रही हूँ आज कुछ बना लूँ और जो भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। दीपावली भी आ रही है और उससे पहले बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं तो उनकी तैयारी धीरे धीरे करनी होती है। देखिए सभी लेडीज़ें घर में कुछ ना कुछ करती रहती हैं तो मैं भी मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करती रहती हूँ घर में। और ऐसे क्या होता है ना, मैं भी सीखती रहती हूँ। आज मैंने सोचा है मेरे पास मतलब 3 स्पैचुला रखे थे, जैसे किचन में काम करते हैं हम स्टिक पैन में तो वो थोड़ा सा नीचे से ख़राब हो जाते हैं, तेल में डिप होते हैं तो आज मैं वो ऐसे बेकार पड़े थे तो मैं उसका ही DIY बनाने वाली हूँ कुछ। वैसे तो मार्केट में देखिए सब कुछ मिल जाता है लेकिन अपने हाथ का जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं और जब उसको हम देखते हैं तो पूछता है ये बहुत सुंदर लग रही है और जब आप उससे ये कहेंगे कि ये मैंने बनाया है तो वो कहेगा अरे वाह बड़े अच्छे लग रहा है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है हमको कि हाँ भाई हमसे कुछ बनाना आता है और वो सामने वाले को भी पसंद आ रहा है। तो चलिए लगते हैं जो अपने काम पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये है मेरे पास 3 स्पैचुला और ये ऐसे मेरे मतलब बेकार हो गए थे तो आज मैं इसी के DIY बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे इस पर पुट्टी और मैंने फेविकोल मिक्स करके रखा है ये इस पर कर दूँगी ताकि कलर बहुत सुंदर आता है। फिर तो देखिए फ्रेंड्स मेरे स्पैचुला ड्राई हो गए हैं, अब मैं इस पर पैटर्न ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका कलर इधर उधर कहीं मतलब गलत नहीं जाएगा, आपको जो आपने ड्रॉ किया है उसी पे कलर करेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स सब टाइम हो गया है कलर करने का और मैं ले रही हूँ एक्रेलिक कलर, ब्लैक रेड येलो और ऑरेंज 4 कलर का यूज़ करेंगे।
तो फ्रेंड्स मैंने ऊपर स्पैचुला के ऊपर की साइड मैंने रेड कलर किया है और बीच में मैंने किया है ऑरेंज कलर और नीचे की साइड मैंने येलो कलर किया है। आप अपने अकॉर्डिंग मतलब जो भी कलर आपको अच्छा लगता है जैसे भी लगता है आप ऐसे कर सकते हो। और दो स्पैचुला मैंने नीचे से ब्लैक किए हैं और एक को मैंने चारों तरफ से येलो कलर दे के और बीच में ब्लैक कलर दिया है ताकि जो पैटर्न मैं बनाऊंगी वो अच्छा लगे उस पर। और ये मैं बीच में लगाने वाली हूँ तो दोनों को ब्लैक रखा है। और मैंने ना वर्ली आर्ट मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं वर्ली आर्ट को ड्रॉ करूँ तो मैंने वही मैं वर्ली आर्ट ही ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऊपर छोटी सी एक हार्ट को ड्रॉ किया है, देखिए कितना सुंदर लग रही है ये हार्ट छोटी सी। और वर्ली आर्ट में 3-4 पैटर्न ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं, लेडीज घास वो घास लाते हुए या वो ढोलक बजाते हुए या छोटी सी एक हार्ट होती है या फिर वो आपस में डांस करते हुए बनाते हैं, वो थोड़ा बड़ा पैटर्न हो जाता है वो नहीं बनाते। लेकिन अगर आपको सिंगल सिंगल बनाना है तो आप कुछ भी उसमें ड्रॉ कर सकते हो, या तो वो डांस करते हुए लेडीज होगी या फिर वो ढोलक बजाते हुए लेडीज होगी। और ये जो छोटे छोटे फूल होते हैं ना ये भी वर्ली आर्ट का एक पार्ट है और ये बहुत सुंदर लगते हैं। देखिए वैसे तो आप इस पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब छोटी सी चिड़िया ड्रॉ कर सकते हो, मतलब आप इसे फिश का ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है ये चीज़ें और आपने देखा होगा अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे और काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। जो आपके मन में चल रहा है वही आप डिज़ाइन ड्रॉ करें और बनाएं, अच्छा लगेगा। और देखिए मैंने ये मेरे स्पैचुला कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए मैंने छोटे छोटे से वर्ली आर्ट की जो लेडीज़ है वो ड्रॉ की है, कोई डांस करते हुए है और कोई मतलब घास लाते हुए, इस तरह का मैंने छोटे छोटे से ड्रॉ किया है। और ये मतलब हमने सभी ने बचपन से बनाई भी है क्योंकि हमारे यहाँ जब होली अष्टमी आती है तो उस टाइम होली ऐसे लिखी जाती थी दीवार पे, तो मुझे इसीलिए ये बचपन से आती है ये इस तरह की ड्रॉइंग। ये चावल से लिखते थे हमारे यहाँ तो, और अब तो खैर कैलेंडर भी आने लगे हैं लेकिन अभी भी चावल से लिखते हैं तो वो उसी की आदत है हमें, तो वो मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। और देखिए मेरा तीनों स्पैचुला बनके तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं आप मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। और ऊपर से अगर मिरर वर्क हो जाए तो क्या ही बात है, देखिए बड़ा सुंदर लगेगा मिरर वर्क के बाद और आपके स्पैचुला को अट्रैक्टिव बना देता है ये वर्क, क्योंकि देखिए जब किसी चीज़ पर लाइट पड़ती है और वो चमकती है ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो मतलब ये मेरा जो प्रयास है ये कितना सफल हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी मेरे की तरह ड्राइंग करें। बच्चे लेकिन करते नहीं हैं, बहुत कम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे DIY का फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने ये मतलब बिल्कुल वेस्ट पड़े थे और मैंने इनका यूज़ किया है। आप भी आपके पास भी अगर इस तरह की चीज़ है तो आप भी यूज़ कीजिएगा। और मैं अभी इस वॉल पे नहीं लगाऊंगी, जब थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद मैं इसे वॉल पे जब हैंग करूंगी तब आपको दिखाऊंगा कि इसका कैसा लुक आ रहा है वॉल पे। फ्रेंड्स सब टाइम हो गया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।